द टाउन दैट ड्रीडेड सनडाउन। कहानी शुरू होती है 1946 में और हमें इस टाउन की हिस्ट्री बताई जाती है कि कैसे यहाँ पर एक मास किलर आया था जो उन कपल्स को मारता था जो सुनसान जगहों पर जाकर इंटीमेट होते थे। वो हर रोज कई सारी जाने लेता था जिससे धीरे धीरे लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। पुलिस ने इस केस में कुछ सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया जिसके बाद से इस टाउन में मर्डर्स होने बंद हो गए। फिर हमें 2013 का एक सीन दिखाया जाता है जहां इसी स्टोरी पर बेस्ड एक मूवी बनाई गई थी जिसका सेम यही नाम था जो अभी आप देख रहे हैं। फिर प्रेजेंट में हम कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जिन्हें स्क्रीन पर यही मूवी दिखाई जा रही थी और यहीं पर हम एक कपल को देख पाते हैं जिनका नाम जेमी और कोरी था। जेमी को इस फिल्म को देख कर डर लग रहा होता है इसीलिए ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और दोनों एक पार्क में जाते हैं जहाँ दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अचानक यहाँ पर वही फैंटम किलर आ जाता है जो काफी सालों बाद लौट आया था। फैंटम इनकी कार का कांच तोड़कर इन्हें बाहर निकालता है और वो कोरी को नीचे लटाता है। वो जेमी को पलटने के लिए बोलता है और उसे पीछे मुड़ने के लिए मना करता है जिसके बाद वो चाकू से कोरी पर कई बार अटैक करके उसे जान से मार देता है। जेमी डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और फैंटम उसके पीछे पड़ जाता है। तभी रास्ते में फैंटम उसे पकड़कर कहता है कि ये सब वो मैरी के लिए कर रहा है। अब ये मैरी कौन थी इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब मैरी का डायलॉग बोलकर फैंटम उसे जिंदा छोड़ देता है और जेमी भागकर उस स्क्रीन के पास आती है जहाँ पर फैंटम की ही मूवी दिखाई जा रही थी। वहाँ पर मूवी देख रहे सभी लोग जेमी की हालत देख उसे हॉस्पिटल में पहुँचा देते हैं जिसके बाद अब शहर में ये खबर फैल जाती है कि फैंटम किलर वापस से आ गया है। अगले दिन सुबह कोरी की लाश एक पुतले के नीचे मिलती है जिस पर फैंटम का मास्क भी लगाया गया था। पुलिस जेमी से पूछताछ करती है और उसे पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। अगली रात में जेमी अपनी ग्रैंडमा से उस फैंटम किलर के बारे में पूछती है जिस पर उसकी दादी बताती है हाँ बचपन में जब वो काफी छोटी थी तो उसकी दादी ने उसे इस फैंटम के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि अकेले कभी घर से बाहर मत निकलना और अगर घर से निकलो तो जब भी कोई स्ट्रेंजर दिखाई दे तो अपना रास्ता बदल लेना। अब रात में जेमी इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ती है जिसमें फैंटम ने एक मैरी नाम की लड़की को मारा था जिससे हमें पता चलता है कि ये शायद उस फैंटम किलर की एक चाल है क्योंकि वो गांव वालों को मैसेज देना चाहता था कि वही पुराना फैंटम वापस से आया है और वो उसके पुराने विक्टिम्स को भी जानता था जिनमें से मैरी भी एक थी। अब ये जानकर जेमी बहुत रोती है। अगले दिन कोरी का फ्यूनरल होता है जहाँ कोरी की मॉम जेमी को ही कोरी की मौत का जिम्मेदार मान रही थी जिससे जेमी की दिमागी हालत खराब होने लगती है और वो एक मेंटल साइकाइट्रिस्ट से जाकर मिलती है। तभी यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जेमी जब 7 साल की थी तब उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसने अपने ग्रैंडपा को भी खो दिया था और अब वो अपने ग्रैंडमा के साथ रहती है। अब दूसरी तरफ हम एक और कपल को देखते हैं जहाँ एक सोल्जर अपनी ड्यूटी खत्म करके हाल ही में वापस आया था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आकर उससे मिलती है। इसके बाद ये लोग शाम होते ही एक होटल में जाते हैं और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सोल्जर नीचे से कॉफी और कुकीज लेने जाता है पर तभी फैंटम उस सोल्जर के सर पर अटैक करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तभी वो उसके सर को उसकी गर्लफ्रेंड के रूम में कांच से अंदर फेंकता है जिसे देखकर सोल्जर की गर्लफ्रेंड काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी फैंटम भी उसका पीछा करने लगता है जिसके बाद ये लड़की बाथरूम की खिड़की का कांच तोड़कर ऊपर से कूद जाती है जिससे उसके पैर में एक बड़ा सा कांच घुस जाता है। पर फिर भी ये लड़की किसी तरह कार में घुसती है लेकिन तभी फैंटम उसके पीछे कार में आकर उस पर कई बार चाकू से अटैक करता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगले दिन दो और लोगों की मरने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है और टाउन के दोनों मेयर्स लोगों को घर में ही रहने की सलाह देते हैं खासकर शाम को जिससे सभी लोग अपने घर और खिड़कियों पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा लेते हैं और उस टाउन में मीटिंग होने लगती है कि वो इस किलर से कैसे बचे। जेमी मीटिंग खत्म करके एक लाइब्रेरी में जाती है जहां उसकी मुलाकात निक नाम के एक लड़के से होती है जो वहां का इंचार्ज होता है और कई साल पहले ये दोनों केमिस्ट्री क्लास में एक साथ पढ़ा करते थे और जेमी असल में यहां फैंटम की हिस्ट्री और उससे रिलेटेड चीजों को देखने आई थी ताकि उसे ये पता चले कि क्या सच में वो पुराना किलर वापस आया है या नहीं या फिर ये किलर कोई और ही।
भी है जो असली फैंटम के नाम से लोगों को मार रहा है। दूसरी तरफ पुलिस वाले और उनका चीफ भी फैंटम के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। इधर अब जेमी को काफी जानकारी मिल जाती है, जिसके बाद वो पुलिस और बाकी चीफ के सामने सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि असल में 1946 में बेंजामिन सिविल नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया था और उसे ही फैंटम समझा जा रहा था। और इस पर भी यकीन तब हुआ जब से वो पकड़ा गया और शहर में एक भी मर्डर नहीं हुआ, तो शायद बेंजामिन ही वो फैंटम था। और 30 सालों बाद उसे जेल से रिहा किया गया, पर काफी बीमार होने के कारण बेंजामिन एक साल पहले हॉस्पिटल में ही मारा गया। और वहाँ की नर्स का कहना था कि बेंजामिन से उसका एक पोता मिलने आता था और जेमी के हिसाब से वही ये सब कर रहा है जो अपने दादा बेंजामिन का नाम आगे बढ़ा रहा है, और वही फैंटम बनकर लोगों को मार रहा है। लेकिन तभी ऑफिसर उसे बताता है कि बेंजामिन का पोता तो 2 साल पहले ही एक्सीडेंट में मारा गया था, तो ये सब कुछ वो नहीं कर सकता। पर अब जेमी की ये थ्योरी सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि जो कोई भी किलर है वो 1946 वाला असली फैंटम तो नहीं है, ये असल में कोई और ही है जो उसके नाम पर मर्डर्स कर रहा है। उसी शाम को निक कुछ और रिसर्च करके जेमी से मिलने आता है, जहां उसने फैंटम की कुछ और भी जानकारी निकाल ली थी। अब यहां निक और जेमी धीरे धीरे क्लोज होने लगते हैं। निक उसे कहता है कि आज रात में टाउन में सोल्जर उसकी गर्लफ्रेंड और उसके लिए कैंडल मार्च निकालने वाले हैं, तो क्या तुम भी साथ में चलोगी? इस पर जेमी उसे हाँ कर देती है और ये दोनों भी वहाँ चले जाते हैं। तभी अचानक सबके सामने फैंटम आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग भाग जाते हैं, पर जेमी डर के कारण गिर जाती है। तभी एक सोल्जर फैंटम पर गोली चलाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस जब उस फैंटम का मास्क उतारती है, तो असल में वो एक टाउन का ही टीनेजर होता है। अब उसकी मौत से सभी लोग खुश हो जाते हैं और पूरे टाउन में ये बात फैल जाती है कि फैंटम मारा गया। यहाँ दूसरी तरफ टाउन में हम एक गे कपल को देखते हैं। तभी एक एक करके फैंटम उन्हें बुरी तरह मार देता है, यानी कि सोल्जर ने जिस फैंटम को गोली मारी थी वो असली फैंटम नहीं था। अगले दिन सुबह उस मरे लड़के के घर से एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि वो मरना चाहता है पर उसमें मरने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए वो फैंटम बनकर पुलिस के सामने जा रहा है ताकि पुलिस उसे आसानी से मार दे। इसका मतलब था कि असली फैंटम अभी भी खुलेआम घूम रहा है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, पर फैंटम कौन है ये किसी को भी पता नहीं चलता। तभी एक रात निक जेमी को किस करने की कोशिश करता है, पर जेमी उसे कार से निकाल देती है क्योंकि अभी भी वो कोरी को भूल नहीं पाई थी। पर अगले ही दिन जेमी निक को माफ कर देती है और उसे एक किस करती है, और आज के बाद से ये दोनों कपल थे। दूसरी तरफ हम ऑफिसर फोस्टर को देखते हैं, जो एक बार में जाता है और एक औरत से मिलता है, जहां इनकी एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों फोस्टर के घर में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी फैंटम एक गोली मारकर फोस्टर को जान से मार देता है, जिसके बाद वो उस औरत का पीछा करने लगता है। वो औरत बचकर खेत में भाग जाती है, पर फैंटम भी खेत में चला जाता है और उसे जान से मार डालता है और उसकी लाश को टांग देता है। अब टाउन में कई सारी जाने जा रही थी और अब फैंटम को पकड़ना जरूरी हो गया था, इसीलिए निक और जेमी उस आदमी के पास जाते हैं जिसके पिता ने 1986 में द टाउन दैट ड्रीडेड सनडाउन वाली ओरिजिनल मूवी बनाई थी, जो ओरिजिनल फैंटम पर बेस्ड थी। उस डायरेक्टर का बेटा कहता है कि उसके पिता के मुताबिक असल में बेंजामिन सिविल जो सस्पेक्ट था वो असल में फैंटम था ही नहीं, उससे बेवजह ही 30 साल जेल में गुजारने पड़े। असली फैंटम शायद हैंक मैथडी नाम का आदमी था जो रेलवे पटरी पर मरा हुआ मिला था। इस आदमी के हिसाब से हैंक ने सुसाइड किया था क्योंकि वही फैंटम था, और उसे गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसने टाउन में कई सारे लोगों को मारा था। तभी ये आदमी बताता है कि असली फैंटम हैंक मैथडी का भी एक पोता था और वही शायद वापस आया है। ये स्टोरी सुनकर जेमी को उस पर यकीन होने लगता है। अब उस रात जेमी की दादी डिसाइड करती है कि वो और जेमी शहर छोड़कर चली जाएंगी, और जेमी का वो किसी दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन करवा देगी ताकि वो दोनों सुरक्षित रहें। अब ये पता चलने के बाद जेमी लास्ट गुड बाय के लिए निक के पास जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है, और रात होते जेमी अपने दादी के साथ निकल पड़ती है। अब कुछ दूर चलने के बाद ये दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकती है। अब जब तक कार में गैस भरी जा रही थी, तब तक जेमी पानी लेने स्टेशन में जाती है। तभी अचानक से फैंटम वहाँ पर आ जाता है। यहाँ गैस स्टेशन पर दो और लोग होते हैं, एक ऑनर और एक बूढ़ा ट्रेवलर। फैंटम उन तीनों को गोली से शूट करके मार देता है। अब सिर्फ अकेली जेमी ही बची थी। इसके बाद वो
स्टेशन के अंदर से एक गन लेती है और जंगल में भागने लगती है। फैंटम उसका पीछा करता है और एक बो एरो से उसके पैरों में शूट करता है, जिससे वो वहीं पर गिर पड़ती है। तभी फैंटम दूसरा एरो उसके कंधे पर मारता है, जिससे जेमी अब काफी जख्मी हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर हम दो फैंटम को देखते हैं और वो दोनों ही एक साथ जेमी के सामने आते हैं। यानी कि शहर में दो लोग थे जो फैंटम बनकर लोगों को मार रहे थे, और वो दोनों कोई और नहीं ऑफिसर फोस्टर और जेमी का बॉयफ्रेंड कोरी था, और यही दोनों असली फैंटम थे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कोरी तो पहले ही सीन में मारा गया था और फोस्टर को भी एक गोली से मार दिया गया था, तो ये फैंटम कैसे हो सकते हैं? तो असल में ये सारा सेटअप इन दोनों ने ही किया था। इन्होंने एक दूसरे को मारने का नाटक किया ताकि इन पर कोई शक ना करे, और फोस्टर एक पुलिस वाला था तो उसके लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये देखकर जेमी रोने लगती है कि कोरी ने उसे धोखा दिया। कोरी कहता है कि वो इस जिंदगी से तंग आ चुका था, इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे लोग उसे जिंदगी भर याद रखें, इसलिए उसने ये किया। तभी फोस्टर कहता है कि असल में वो ही हैंक मैथडी फैंटम का पोता है, जिसने 1946 में ट्रेन के पटरी के नीचे जान दे दी थी, इसीलिए वो अब सबको मार देगा। ये कहकर फोस्टर अपने साथी कोरी को भी जान से मार देता है, क्योंकि कोरी का काम अब खत्म हो चुका था और अब वो जेमी को चाकू से मारने वाला था। पर जेमी के पास एक गन थी जो उसने उस गैस स्टेशन से ली थी। फोस्टर उसे मारता, उससे पहले वो फोस्टर को गोली से उड़ा देती है, और फाइनली फैंटम का चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। अगले दिन पुलिस वाले कंफर्म करते हैं कि ये सब कुछ ऑफिसर फोस्टर और कोरी ने ही किया था, जो असल में पूरे साइको थे। अब इस केस के सॉल्व होने के बाद जेमी बाहर आती है और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।